इसे तबाही की शुरुआत ही मानिए। कभी अमेरिका ईरान को लेकर आक्रामक होता है तो कभी सऊदी अरब। इसराइल तो ईरान को अपना जानी दुश्मन ही समझता है, लेकिन ईरान अपने दुश्मनों से डटकर लड़ने को हर दम तैयार है, किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करता है, लेकिन ईरान के साथ अब जो हुआ है इससे ईरान के दुश्मन बढ़ जाएंगे। युद्ध और बर्बादी के बादलों से घिरा ईरान अब ब्रिटेन से टकराने के लिए निकल पड़ा है। ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र से ईरानी तेल टैंकर को पकड़ लिया है और छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ब्रिटेन को माकूल जवाब देने के लिए ईरान ने ब्रिटिश राजदूत रॉब मैकएयर को तलब किया, कुर्सी पर अपने सामने बैठाया और शब्दों के बाण से उस पर हमला कर दिया। ईरान ने ब्रिटेन से साफ साफ कहा कि ब्रिटेन अमेरिका के इशारों पर काम करना बंद कर दे और तुरंत ईरानी तेल टैंकर को रिहा करे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हालांकि इंग्लैंड ने इन आरोपों को कोरी बकवास बताते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले 5 जुलाई को ईरान की शुरा समिति यानी ईरान संसद के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने ट्वीट कर ब्रिटेन को धमकी दी। ईरान ने कभी कोई संघर्ष शुरू नहीं किया, लेकिन उसे धौंस जमाने वालों को बगैर किसी झिझक के जवाब देने आता है। ब्रिटेन की ओर से ईरानी तेल टैंकर न छोड़े जाने की सूरत में ये संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह जवाब दें और ब्रिटेन के तेल जहाज को पकड़ ले। गौर हो कि 4 जुलाई को जिब्राल्टर में ब्रिटेन के रॉयल मरीन्स ने ग्रेस वन नाम की ईरानी सुपर टैंकर को कब्जे में ले लिया था। ब्रिटेन की नौसेना के मुताबिक उन्हें आशंका थी कि ये टैंकर सीरिया जा रहा था, जो यूरोपीय यूनियन की पाबंदी के खिलाफ है। आपको बता दें कि ईयू ने 2011 से ही सीरिया पर पाबंदी लगा रखी है।